इस बार भी होली में कोरोना का साया रहेगा। पिछले साल कोरोना संक्रमण के खौफ की वजह से होली पर्व फीका सा रहा था। एक बार फिर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजारों में भी रंग व पिचकारी की रौनक नहीं नजर आ रही है। रंगों के त्योहार होली में मात्र 3 दिन ही बचे हैं, लेकिन बाजारों में रौनक बिल्कुल भी नहीं है। पहले होली से सप्ताह भर पहले ही रंग व पिचकारी की दुकानें सड़क किनारे लग सी जाती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस का असर होली पर भी देखा जा रहा है। अभी तक तो दुकान लोगों से पिचकारी व रंग खरीदने से गुरेज कर रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि यदि होली के दिन भी यही हाल रहा तो काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। बाजार से चीन की पिचकारी व रंग गायब हैं। विश्व भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद रंगों व पिचकारी पर भी असर पड़ा है। चीन से जो रंग व पिचकारी आयात होती थी उससे अब बहुत कमी आ गई है। यही वजह है कि इस बार बाजार में चीन से बनी पिचकारी व रंग नाममात्र दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर दुकानदारों के पास पिचकारी व रंग का पिछला ही स्टॉक पड़ा है। चीन से कम सामान आने के कारण मेड इन इंडिया पिचकारी व रंगों की भरमार देखने को मिल रही है। इस बार बच्चों के लिए डोरेमोन, बेंटेन, बटरफ्लाई बच्चों को खूब भा रहे हैं। ये पिचकारियों से 15 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में उपलब्ध है। गुलाल, सेंटेंट गुलाल भी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार ग्राहक पक्के रंग से दूरी बना रहे हैं। सर बताइए, अब लगातार कोरोना महामारी चल रही है और आगामी जो त्यौहार आ रहा है होली का, उस दिन भी लॉकडाउन की संभावना ज्यादा जा रही है, तो क्या लगता है व्यापार पर कितना असर पड़ा है और इस बार पिचकारी और अन्य वैरायटी में क्या क्या विशेषता है और क्या रेंज से आई है? व्यापार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि जैसे शिवरात्रि से लेकर होली तक जो व्यापार चलता है वो काफ़ी अच्छा चलता है और भगवान की वजह से फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन इस साल एक दो दिन चला, फिर पेपरबाजी वगैरह हो गई कि कोरोना है, लॉकडाउन हो रहा है, ऐसा ऐसा, तो इसमें ग्राहक डर गया। फिर जैसे तैसे ग्राहक को थोड़ी हिम्मत आई कि ठीक है संडे बंद है तो मंडे काम चलेगा। अब इन्होंने मंडे भी बंद कर दिया है तो इसे काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा। लास्ट ईयर भी होली का त्यौहार बिल्कुल फीका गया था और ये इकलौता ऐसा त्यौहार है कि गरीब अमीर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10-20 रुपये में त्यौहार आप खेल सकते हैं आराम से। तो व्यापार के हिसाब से तो ये इस साल बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है। और बाकी समानता की बात की जाए तो जैसे अब दारू वगैरह की दुकानें हैं उनको 11 बजे तक की छूट है, तो आप होली वगैरह को या थोड़े बहुत मिठाई वालों को भी छूट दे सकते थे कि भाई वो भी एक दिन खोल सके एक्स्ट्रा, जैसे राखी के टाइम एंड टाइम पे हुआ था। तो इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी अब और कुछ ऐसा फ्लो भी नहीं था तो कुछ नई वैरायटी वगैरह में तो ज़्यादा आया नहीं है, क्योंकि चाइना वगैरह पूरा बंद हो गया है और ये काम लगभग चाइना का ही है। वैरायटी की बात करें तो क्या रेंज से क्या रेंज तक अपने आप पर अभी वैरायटी तो वही जो हर साल रहती है, लेकिन इस साल प्लास्टिक में तेजी आ गई तो 10-20% की तेजी है हर चीज़ में। जैसे पिछले साल की तुलना में, पिछले साल भी कोरोना की महामारी, पिछले साल की तुलना में आधी वैरायटी है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा डर आ गया है और लोग घबरा रहे हैं। किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे आप सरकार से या चैनल के माध्यम से कि क्या कहना चाहेंगे कि यदि अगर कोरोना की जो भी हो गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी हो सब व्यापारियों के लिए समान हो। अगर एक संडे, ये लोग एक दो दिन पहले भी बोलते थे कि ठीक है एक संडे आप लोग काम कर सकते हो तो थोड़ा बहुत लोगों का काम चल जाता। होली के बाद हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन का लॉकडाउन लगा सकते थे, लेकिन ऐसा इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा। अपना दिनेश, माहौल और रंग गुलाल को लेकर दिखाई दे रहा है सर? कोई माहौल तो कुछ नहीं दिख रहा है, माहौल तो कुछ दिख रही है इसके अंदर, बहुत परेशानी आ रही है। अब हमको मालूम नहीं ऐसा हो जाएगा तो हम माल नहीं लाते। तो किस तरह से पिचकारियाँ जो पिछली बार दिखती थी इस बार क्या किस तरह से ग्राहकों को प्रभाव दिखाई दे रहा? बच्चों को लेके आते थे, परिवार के साथ आते थे, बहुत से आते थे, मगर वो माहौल ही नहीं कुछ भी। देखो आपके सामने बैठे हुए हम, क्या पिछली बार का स्टॉक भी था आपके पास? थोड़ा बहुत था। इस बार कब आपने खरीदी कर ली थी? जनवरी फरवरी में कर लेते हम। तो क्या बिल्कुल भी ग्राहकी दिखाई नहीं दे रही? कुछ नहीं दिख रही सर। क्या लगता है प्रशासन को छूट देनी चाहिए थी? हाँ, प्रशासन को देना थी, त्यौहार के उससे छोड़ी वो छूट तो देना थी सर। अब कोरोना का जो प्रभाव है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मेरे देखो वो भी जरूरी है, वो भी बीमारियाँ भी जरूरी है, अगर अपनी सेफ्टी खुद करें अपन। रंग गुलाल का लेके क्या किस तरह का ग्राहकी है सर? रंग गुलाल तो नहीं बिक रहा है, रंग गुलाल बिल्कुल नहीं बिक रहा, छोड़ थोड़ा बहुत ले आना लोग। आप इस बार किस तरह की नई नई पिचकारियाँ लेके आए थे आप? किस तरह सर? बहुत सी मेरे पास टैंक हैं, प्रेशर वाली गने हैं, भगवान की पिचकारी हैं, छोटी छोटी पूजा की पिचकारी हैं मेरे पास भगवान की, बहुत सी वैरायटी है। आपका नाम? और मेरा नाम मोहम्मद रईस, दुकान का नाम मयूर पैलेस।
वहीं इस बार कोरोना महामारी के चलते लोगों में भी आइट का रंग जमा हुआ है, जिसके चलते इस वर्ष लोगों में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अधिकतर लोग घरों में ही होली मनाने का निर्णय ले चुके हैं। होली का जो त्यौहार आ रहा है, प्रशासन लॉकडाउन की जो मांग करी है, हम उसके पक्ष में नहीं है। जो नियम बनाया गया है वो नियम भी फॉलो करी जाएंगे और जनता को खोलने लॉकडाउन खोलने के और फेवर में है हम लोग। प्रशासन जो बोल रहा है कि होली पर वीकेंड लॉकडाउन लगा जाए, शनिवार से सोमवार तक का, उसमें लॉकडाउन तो लगा जाए वो ठीक है, पर प्रशासन को थोड़ी सी मुहिम चला के होली भी खेलने के पक्ष में रखना चाहिए। आम जनता पर ये फ़र्क पड़ रहा है कि आम जनता जो अपने घरों के अंदर कैद रह पाएगी, ना होली खेल पाएगी, ना होली पब्लिक बाहर जा पाएगी। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत थोड़ी सी छूट दी जाए और हमको थोड़ी सी राहत दी जाए। क्या आपका नाम? क्या आपका नाम? नरेंद्र सिंह चौहान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।